अस्सलाम वालेकुम, आप सबका रुबाज और इमरान किचन में एक बार फिर वेलकम है। बकरा ईद हो, रमजान ईद हो, कोई भी ईद हो, बिरयानी तो घर में जरूर बनती है। तो आज हम आर किचन में बनाएंगे बीफ बिरयानी। तो उसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे बिरयानी का मसाला। उसके लिए जो हमें इंग्रीडियंट्स चाहिए वो है 3 टेबल स्पून जीरा, 2 टेबल स्पून काली मिर्चे, 1 टेबल स्पून लौंग, 3 टेबल स्पून साबुत धनिया, ये है दालचीनी। ये जो आपका जीरा धनिया होगा उससे कम होगा, मतलब 2.5 आप देख लीजिएगा। हम इसे ऐसे क्वांटिटी में नहीं ले सकते, तो मैंने खुद अपने हिसाब से लिया है। फिर यहाँ मैंने लिया है 1.5 टेबल स्पून सौंफ, ये 15 बड़ी इलायची है, 9 बादियान के फूल है, और ये सब हम रोस्ट करेंगे और इसके बाद इसको ग्राइंड करेंगे। यहाँ हम लेंगे 10 तेज पात, ये मैंने लिए 1.5 टेबल स्पून छोटी इलायची, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1.5 टेबल स्पून नॉर्मल लाल मिर्च, 1/2 टेबल स्पून या 1/2 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम हल्दी। और ये देखिए सारी इंग्रेडिएंट जो है, मतलब हरे मसाले, हम इसको डाल देंगे और इसको रोस्ट करेंगे 5 से 6 मिनट तक। रोस्ट करना है, मतलब इतना रोस्ट करना कि इसकी हल्की सी अच्छी सी खुशबू आने लग जाए ना सब मसालों की, तब हम इसको बंद कर देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। ये देखिए जो जावित्री और ये मैंने आधा जायफल लिया इसको, और साथ में हमारी इलायची को हम अच्छे से पीस लेंगे, क्योंकि जायफल और जावित्री को पीसने में टाइम लगता है। ओके, अच्छे से पीस लेंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ इसका मसाला कैसा बनेगा। अब इस पॉइंट पे मुझे इसमें से बहुत अच्छी सी स्ट्रॉन्ग खुशबू आ रही है मसालों की, अब मैं इसे ग्राइंड कर लूंगी। ये हमारे ड्राई इंग्रीडियंट्स के का पाउडर है, मतलब मैंने इसे ग्राइंड किया था, और ये जायफल, जावित्री और इलायची का पाउडर है। ठीक है, अब ये हम इसमें डाल देंगे। और ये जो लाल मिर्च है, कश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी है, ये भी हम इसमें और ये अब हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। और ये हमारा बिरयानी मसाला रेडी हो गया। ये मतलब एक बार के लिए नहीं बनाया है, इसमें से हम कितना इस्तेमाल करेंगे वो मैं आपको बता दूंगी। हमें कितना बिरयानी मसाला बिरयानी बनाने के लिए इस्तेमाल करना है, ये हमने बहुत सारे टाइम के लिए मतलब स्टोर कर सकते हैं। आपको जब बिरयानी बनानी हो तो आप ये मसाला बाद में इस्तेमाल कर लो। ओके, ये देखिए अब हम बिरयानी का जो मसाला होता है, मतलब गोश्त प्रिपेयर करेंगे, तो उसके लिए मैंने सबसे पहले आलू लिया। बिरयानी में आलू ना हो तो मजा नहीं आता, तो हमने तेल ले लिया थोड़ा सा तेल, उसके अंदर हम आलू को फ्राई करेंगे। जब आलू थोड़े से फ्राई हो जाएंगे तो फिर हम इसको निकाल लेंगे और फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करेंगे। ये देखिए ये फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसमें टोमेटो पेस्ट डालेंगे। मैंने 8 टोमेटोज को पेस्ट बना लिया है, मतलब प्यूरी बना लिया, और अब हम वो पेस्ट इसमें डाल देंगे। ओके, आप नॉर्मल खरीद के भी टोमेटो पेस्ट या प्यूरी डाल सकते हैं, बट अगर नहीं है आपके पास तो टोमेटोज लें और इसको ब्लेंड कर लें। ये देखिए अब हम क्या डालेंगे इसमें, मैंने 250 ग्राम दही ली थी और 1.5 कप ब्राउन प्याज लिया और उसको ब्लेंड कर लिया। ठीक है, मैंने सब कुछ ब्लेंड करके पहले से रख दिया था, तो अब हम इसको भी डाल देंगे। तो ये देखिए मैंने इसमें दही और लाल प्याज का जो मिक्सचर ब्लेंड किया था वो मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें गोश्त डालेंगे। गोश्त को मैंने लहसुन अदरक और नमक के साथ उबाल लिया था। ठीक है, तो गोश्त का जो ये है स्टॉक भी डाल देंगे, गोश्त का थोड़ा सा थोड़ा। ठीक है, इसको मिक्स करेंगे पहले और फिर हम गोश्त डालेंगे। ठीक है, और जो मैंने गोश्त लिया है वो तकरीबन, ये जो मैंने गोश्त लिया वो तकरीबन 1.5 किलो। और अब हम डालेंगे बिरयानी मसाला 4 टेबल स्पून। ओके, मैंने आपके सामने जो बिरयानी मसाला प्रिपेयर किया था वो हम डाल लें 4 टेबल स्पून। देखिए अब मैंने इसमें ना नमक डाला था, आप अपनी मर्जी से अपने हिसाब से जायके के नमक डाल सकते, क्योंकि हम जब गोश्त उबालते तब भी नमक डालते। अब मैं इसमें 4 से 5
आलू बुखारे डाल दूँ, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा सा आता है। अभी हम मिक्स करेंगे और इसे थिक कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। अब मैंने तेल डाला ही नहीं था, जितना मैंने आलू को फ्राई किया है उतना ही तेल था। तो अब हम तकरीबन 1 कप जितना तेल और डालेंगे, ठीक है, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये हमारा गोश्त का मिक्सचर रेडी हो चुका है। तो देखिए, अब हम मैंने चावलों को उबाल लिए थे, चावलों के अंदर नमक और जीरा डाल दिया था, ठीक है, और अब हमने इसकी पतली सी लेयर डाल दी है। अब हम सारा इसके अंदर जो गोश्त का मिक्सचर बनाया वो डाल देंगे। ये अब ये हो गया, मैंने इसको सेट कर दिया है। अब मैं बाकी बचे हुए सारे चावल इसके ऊपर लगा दूंगी। मैं बता दूं कितने चावल हैं, ये तकरीबन मैंने लिए थे 4 कप चावल, ठीक है, और इसको उबाल लिया था। हम इस तरीके से इसको पूरा सेट कर देंगे, चावलों को कैसे सेट करेंगे मैं आपको बताऊंगी। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल देंगे, ठीक है, और हल्का सा जर्दे का रंग डाल देंगे। इस पे फूड कलर भी डाल दिया। अब मैं इसको 5 से 6 मिनट के लिए दम पे रखूंगी कि इतना कि उसमें से धुआं निकलने लग जाएगा, तो हम बिरयानी को सर्व कर देंगे। तो ये देखिए, हमारी बिरयानी रेडी हो चुकी है। अब अगर आपको इसकी रेसिपी अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके साथ ही बेल आइकन होता है उसे प्रेस करना है, ताकि आपको अपडेट मिल जाए कि मैं अपनी कब वीडियो अपलोड करती हूँ। साथ ही उसे दूसरों लोगों से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि मेरा चैनल ग्रो करे और आप लोग के फैमिली एंड फ्रेंड भी मेरी रेसिपीज से फ़ायदा उठा सकें। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।